ये कि बांसोड़ा होता है ये, एक दिन माता रानी खुद उतर के आई थी, उन्होंने बताया था कि शीतला माता का दिन है आज और सबको ठंडा ठंडा खाना खाना चाहिए, जो गर्म खाएगा उसके मतलब पुपले और परेशानियां होंगी। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। तो इसीलिए शीतला माता की पूजा की जाए। आज किस तरह आपने पूजा की जाए शीतला माता की? राबड़ी बनाई है और मीठे चावल बनाए हैं, पूड़ियाँ, खिचड़ी, पापड़, ये सब पकौड़े, दही सब बनाया है। परिवार की सुख शांति? हाँ, सुख शांति के लिए पूजा की है। भगवान सबको सुख समृद्धि और सुख शांति दे। आपका नाम? मेरा नाम पिंकी गुप्ता है। हम शीतला माता के मंदिर आए हैं और हम कल सबने ठंडाई करी और आज माता के दर्शन करने आए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और हम सब परिवार मिलजुल के यहाँ आए हैं शीतला माता के यहाँ, तो खुशी हो रही है। और माता जी की कहानी भी है और शीतला माता का कल ठंडाई करके आज ये पूजा पाठ वगैरह हम कर रहे हैं। आज ठंडा खाएंगे, कल बनाया आज खाएं। क्यों स्टोरी? मेरा नाम सोनम कदम है। पर्सनल मतलब जमीन, इसमें लोढ़ा जी ने लाके मूर्ति तर्पी थी और जब से मतलब यहाँ कम से कम 60-70 साल पुराना प्राचीन मंदिर है ये। और है ना, चरी चढ़ती है, ठंडा भोजन चढ़ता है। एक रोज पहले बनाते हैं, दूसरे दिन है ना बनाते हैं, पहले दिन बनाते हैं, दूसरे दिन ठंडे माता के भोग लगा के और फिर है ना। किस तरह की पूजा की जाती है, क्यों ठंडा चढ़ाया जाता है? ठंडा चढ़ाया जाता है ऐसे कि माता रानी ये चैत का महीना आते हैं ना, तो माता रानी मंदिर से बाहर निकलती है चैत के महीने से। बाहर घूमती घूमती गाँव में गई थी तो एक औरत ने ऐसे गर्म पानी फेंका तो माता रानी पे गिर गया। माता रानी पे गिरा तो उसके फफोले उठ गए, तो सारे गांव में घूमी माता रानी ऐसे बोले मेरे है ना सब जल गई रे, मैं जल गई। तो किसी के घर में माता रानी को ठंडा नहीं मिला। फिर है ना एक कुमारण के घर गई तो वहां पे ठंडा मिला और वो ठंडा खा के और माता रानी आराम किया। आराम करके फिर वापस उठी तो कुमारण को बोला मेरे माता में जू देख दे, डोकरी के रूप में गई थी माता। फिर वो है ना डोकरी के रूप में गई तो उठ के है ना कुमारन माता में देखने लगी जू, तो उसको है ना वो आंखें दिखी तो वो डर गई, बोले आप कौन थे हो? बोले है ना मैं तो है ना शीतला माता हूँ और है ना मेरे को तेरे घर ही है ना मेरे को अच्छा ठंडा भोजन मिला, दही चाच मिला और सारे गांव में मेरे को है ना जला दी और है ना सारे गांव में है ना आग लग जाएगी, कल तेरा ही घर बचेगा, तेरे झोपड़े से मेल माले हो जाएगा। तो फिर है ना पूरे राजा जी बुलाए कुमारन को, बोले तेरा घर कैसे बचा, सारा घर में आग लग गई। बोले मैं तो है ना ठंडा खाया, ठंडा मेरे घर में था और डोकरी के रूप में माता रानी आई थी मेरे घर शीतला माता, तो उसने ठंडा भोजन खा के और वो खूब प्रसन्न हुई। ठंडा भोजन खाते हैं माता को पूज के और फिर ठंडा भोजन खाते हैं, पानी की चेरी चढ़ाते हैं, ये जल है घर में ले जाते हैं, शीतल जल है जल है। मेरा नाम सुंदर देवी प्रजापति। शीतला माता का ये मतलब बहुत सालों से चलता आ रहा है, मतलब इस कारण हम ठंडा खाना खाते हैं। वैसे तो कोई बासा खाना नहीं खाते, इस कारण बच्चे भी सीखेंगे कि हमारी क्या संस्कृति है, हम क्या मतलब आगे चल के ये प्रथा चलती रहेगी, इसलिए बच्चों को भी बताना है कि ठंडा खाना क्यों खाते हैं, माता की पूजा क्यों करते हैं। बस ये किस तरह की पूजा की आपने, क्या क्या बनाया? मैंने आज मतलब अभी गुड़ के चावल होते हैं, पूड़ी और हलवा वगैरह ये सब माता को चढ़ाते हैं। आपने कहानी पढ़ी, कहानी में क्या बताया? कहानी में ये होता है कि मतलब माता एक मतलब देखने निकलती हैं कि कौन मेरे को पूछता है कौन नहीं पूछता, तो वो एक डोकरी का रूप लेके निकलती है, तो सब घरों में सब गर्म खाना बनता है, तो एक और एक घर से ना कोई इनके ऊपर माड़ का पानी फेंक देता है, माता जल जाती हैं, तो एक झोपड़ी में जाती हैं, जाके वो देखती हैं कि उनको ठंडी राबड़ी और ठंडे मतलब ठंडे पकवान खिलाती तो माँ को तसल्ली मिलती है और उनकी ठंडा पानी डालती हैं, तो वो बोलती हैं कि तुमने मेरी रक्षा की, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तो ये उस गांव में सब सबका घर जल जाते हैं लेकिन उस झोपड़ी नहीं जलती। ये बात राजा को मालूम पड़ती है तो राजा कहते हैं कि राजा बोलते हैं कि तुम्हारे कैसे रह गया कि मैंने ठंडा खाना खाया इसलिए मैं मतलब मेरा हो गया। तो उसी दिन से मतलब हर साल में एक बार मतलब शीतला अष्टमी को
तो ठंडा खाना सब घरों में बनने लग गया और माता शीतला की। आपका नाम? मेरा नाम उमा गुप्ता।